श्रृंगार शतककार महाकवि भर्तृहरि इस सुंदर श्लोक में कुलस्त्री के रति की चर्चा करते हैं, उसके संभोग की बात करते हैं। प्रांग मामेति मना गमानित गुणम जाताभिलाषम ततः सब्रीडम तदनुस्लथो द्यतमनु प्रत्यस्त धैर्यं पुनः प्रेमार्द्रस् प्रहणीय निर्भर रहा क्रीडा प्रगल्भं ततो निशंकांग विकर्षणादिक सुखम रम्यम कुल स्त्री रतम। देखिए आज का समय अलग है, आज तो आपको कुल स्त्री का ही रति प्राप्त होता है, आपकी जो पत्नी है उसी का रति आपको प्राप्त है। लेकिन ये तो समय वो था जब श्रृंगार की पराकाष्ठाएं थी, सर्वत्र आप जहां जाएं वहां इस प्रकार के आनंद लोग लिया करते थे। तो समय भी कवि ये लिखता है कि नहीं, जो सुख कुल स्त्री यानी अपनी जो पत्नी है उसके साथ के संभोग में जो आनंद है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। आप किसी वेश्या के पास जाएंगे, आप किसी गणिका के यहाँ जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, इस प्रकार का सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए घर परिवार है, सभी लोग घर में हैं और पति जो है वो पत्नी से अपनी इशारों में कुछ डिमांड कर रहा है। तो प्रांग मामेति, पहले वो नाना कहती है ना, अभी समय नहीं है, अभी मौका नहीं है। प्रांग मामेति, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि उसकी अभिलाषा नहीं होती है। और फिर जब आपने थोड़ा ज्यादा उसको मनाने की कोशिश की, कुछ ज्यादा उसके साथ आपने प्रयास किए, तो जाता भिलाषम ततः, उसके अंदर भी वो राग जागृत हो जाता है। और फिर तो क्या होता है, एक तरफ शर्म आ रही है, सब्रीडम, अभी तो नाना कह रही थी और अब तैयार हो गई है, तो सब्रीडम तदनु स्लथोद्यत मनु प्रत्यर्थ धैर्यम पुनः। तो फिर क्या करती है, आपसे कह नहीं पाती है तो अपने अंग प्रत्यंगों को ढीला छोड़ देती है। आपको स्वयं इस चीज का एहसास हो जाता है कि हाँ वो क्या चाह रही है। और फिर अगर आप उसके पास जाते हैं तो उसका धैर्य जो है वो बिल्कुल छूट जाता है, फिर उससे रहा नहीं जाता है और प्रेम से आर्द्र होकर के अत्यंत आनंद पूर्वक, क्योंकि वर्षों का आपका उसका साथ है तो अच्छी तरीके से आपको पहचानती है, आपको किसमें सुख मिलता है वो सारी बातें जानती है, और इसलिए जो वो क्रीड़ा करती है, जो आपके साथ वो आनंद करती है, चाहे अंगों को खींचना हो या जो भी उसकी प्रक्रियाएं करनी हैं, तो महाकवि भर्तृहरि लिखते हैं रम्यम कुलस्त्री रतम, कुल स्त्रियों के साथ रति करना ये सबसे अधिक रमणीय है, सबसे अधिक सौभाग्य की बात है। ध्यान रखिएगा, आप किसी वेश्या के यहाँ जाते हैं तो स्वयं सामने से, क्योंकि उसको जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी जल्दी उसको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, पैसे की प्राप्ति होगी, उसका लक्ष्य सुख नहीं है। लेकिन यहाँ आपकी पत्नी ये चाहती कि वो आपको सुख दे और आपको पराकाष्ठा का सुख दे, क्योंकि आपके सुख में वो अपना सुख देखती है, और इसलिए यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन किया है, जीवन में इससे ज़्यादा धन्यता अन्यत्र कहीं नहीं हो सकती है। जो लोग अन्यत्र इस प्रकार के सुख को ढूंढते हैं उनके लिए महाकवि भर्तृहरि ने बहुत ही सुंदर ये श्लोक दिया है। जीवन में आनंद कीजिए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जहाँ संबंध आपके अपने होते हैं वहाँ काम में भी भगवान बसते हैं, ऐसा स्वयं गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। धन्यवाद, मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत।